कैसरगंज के 6 बार के सांसद, बीजेपी के धाकड़ नेता बृजभूषण शरण सिंह, जिन पर महिला उत्पीड़न का आरोप लगा था, जब महिला खिलाड़ी बार बार ये बता रही थी कि बृजभूषण शरण सिंह उनके साथ यौन हिंसा किए हैं, उनके साथ इस तरीके का आरोप लगा रही थी, तब बृजभूषण शरण सिंह कहते हैं कि हमने महिलाओं को छुआ था, कैसे छुआ था, कहाँ छुआ था, कितनी बार छुआ था, कैसे कैसे छुआ था, क्या क्या किया था, इस तरीके का सवाल करते हैं। महिला पहलवान को लेकर पूरे देश में संवेदनाएं थी, जब महिला पहलवान जो देश के लिए मेडल लेकर आई थी वो अपना मेडल लेकर गंगा में बहाने जाती हैं, तब भारतीय जनता पार्टी के तमाम गद्दावर लोग ये कहते हैं कि 5-5 रुपए का मेडल है उसको लेकर इस तरीके की बात महिला पहलवान करती हैं। अगर मैंने इस तरीके का कोई आरोप मेरे पर इस तरीके का कोई आरोप साबित हो जाता है तो मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मैं ऐसे कर लूँगा, मैं वैसे कर लूँगा, इस तरीके की बात करने वाले कैसरगंज के सांसद बृजभूषण शरण सिंह, जो भाजपा से 6 बार के सांसद हैं, जिनकी तूती बोलती है उनके क्षेत्र में, ये बताया जाता है कि वो ब्राह्मणों और ठाकुरों के एक गद्दावर चेहरा हैं और उनकी वजह से 6-6 सीटें प्रभावित हो जाती हैं, क्या अयोध्या, क्या कैसरगंज, इन तमाम सीटों पर उनका दबदबा है। और जब उन पर आरोप लगे थे तब ये कहा जा रहा था कि ये विपक्ष के साजिश है, इतने बड़े चेहरे का नाम खराब करना चाहते हैं, इस तरीके की बात कही जा रही थी, बार बार कही जा रही थी। तो अब कोर्ट ने भी ये मान लिया है कि बृजभूषण शरण सिंह पर जितने आरोप लगे हैं उसमें जितने साक्ष्य दिए गए हैं उसमें दम है और उस पर चार्जशीट लग सकती है, उन पर जो है वो कार्रवाई हो सकती है। सोचने की बात है कि वो महिला पहलवान जो लगातार ये बता रही थी कि कैसे बृजभूषण शरण सिंह उनकी छाती को छूते हैं, उनका टी शर्ट छूते हैं, इस तरीके की बात करती हैं, तो बृजभूषण शरण सिंह कहते हैं कि मैं शिलाजीत की रोटियां खाता हूं क्या कि इतनी महिलाओं के साथ यौन हिंसा कर लूंगा, मैं शिलाजीत की रोटियां थोड़ी खाता हूं कि इतनी महिलाओं के साथ शोषण करूंगा। एक महिला ही होती तो समझ में आता, इतनी इतनी महिलाओं के साथ शोषण होता रहा, ये लोग चुप क्यों रही, जब तक इन लोग को फायदा होता रहा तब तक ये चुप रही, अब ये लोग जो है वो मेरा नाम खराब करना चाहती हैं, इस तरीके का आरोप लगाते रहे। और जब बृजभूषण शरण सिंह भरे मन से ये कहते हैं तो मंच पर मौजूद और मंच के नीचे मौजूद तमाम लोग हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, दांत चियारते हैं। तो सोचने की बात है कि जो पार्टी बार बार ये कहती है कि हम महिलाओं के सम्मान में फला पार्टी मैदान में, वो इंसान महिला खिलाड़ियों का सोचिए जो देश के लिए गोल्ड मेडलिस्ट थी, जो देश के लिए मेडल लाई थी, उन महिला पहलवानों के खिलाफ इस तरीके की बात करते हैं तो सब लोग हंसते हैं। तो महिलाओं पर किस तरीके की छवि जाती है, ये एक सवाल है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कोर्ट ने क्या कुछ कहा है। उससे पहले मैं ये बात बता देना चाहती हूँ कि जब ये सारी चीज़ें बृजभूषण शरण सिंह से पूछी जाती है, ये पूछा जाता है कि इस तरीके की बात आ रही है कि आप जितने भी साक्ष्य दिए गए हैं, कोर्ट ने ये माना है कि उतने साक्ष्य बहुत हैं आरोप के लिए चार्जशीट बनाने के लिए, तो बृजभूषण शरण सिंह कहते हैं कि अगर आरोप साबित, मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये सब कुछ फर्जी है, ये सब झूठ बोला जा रहा है, इसमें थोड़ा भी जो है वो सच्चाई नहीं है, अगर आरोप जो है वो साबित हो जाता है तो मैं फांसी लगा लूँगा, इस तरीके के बाद बृजभूषण शरण सिंह कहते हैं। और ये कहते हैं कि अभी भी वो कहते हैं कि ये सब झूठ बोला जा रहा है, तो मैं बता देती हूँ कि अभी जो चार्जशीट बनी है उस पर किस किस तरीके की धाराएँ बृजभूषण शरण सिंह पर लगाई गई हैं, और अगर ये सारी धाराएँ जो आरोप है वो सच साबित हो जाता है तो कम से कम 5 साल के लिए बृजभूषण शरण सिंह को जेल की हवा खानी पड़ सकती है, और कम से कम 5 सालों के लिए तो वो नपेंगे अगर सारे आरोप सही माने गए। अभी चार्जशीट में कौन कौन सी धाराएं हैं मैं आपको बता देती हूँ। धारा 374, धारा 374A और धारा 506, ये 3 धाराएं ऐसी हैं जिस पर आरोप सिद्ध, ये आरोप जो है जो महिला पहलवान लगाई थी उन सभी आरोपों को मानते हुए, कोर्ट मानते हुए इन 3 धाराओं पर जो है वो चार्जशीट बनाई है। अब इन 3 धाराओं में है क्या मैं आपको बता देती हूँ। तो 374 जो धारा है उसमें ये माना जाता है कि कोई महिला है उसकी गरिमा को अगर ठेस पहुँचाने के इरादे से उस पर हमला किया जाए या आपराधिक बल प्रयोग किया जाए, वो इस तरीके का कोई काम अगर किसी पर भी लगता है तो ये 374 वाली धारा लगती है जो बृजभूषण शरण सिंह पे लगी है, वो महिला के गरिमा को ठेस पहुंचाने और ठेस पहुंचाने के इरादे से उन पर हमला करते हैं या उन पर जोर जबरदस्ती करते हैं तो इस तरीके की धारा लगती है 374। और 374A जो है वो भी बृजभूषण शरण सिंह पे लगी है और ये जो है वो कहीं ना कहीं महिला सम्मान और महिला के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ होने पर लगता है। और धारा 506 जो है वो आपराधिक धमकी देने की बात होती है, धमकी पर लगाए जाते हैं। 374 जो धारा है वो उस पर 5 साल की सज़ा है अधिकतम, और 354A जो है उस पर 3 साल की सज़ा है, और 506 जो है उस पर 2 साल की सज़ा है। तो ऐसे देखा जाए तो 354,
पर 5 साल और 354A को 3 साल मिला लीजिए और 506 को 2 साल मिला लीजिए, तो टोटल अधिकतम सजा जो है वो बृजभूषण शरण सिंह पे टोटल 10 साल की हो सकती है, और अधिकतम ना माना जाए तो कम से कम 5 साल की सजा जो है बृजभूषण शरण सिंह पर हो सकती है, अगर अभी भी सारी चीज़ों को कोर्ट में सारे ट्रायल होंगे, सब चीज़ें साक्ष पेश किए जाएंगे और उसके बाद चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह अभी भी ये कह रहे हैं कि अब मेरे पास जो साक्ष्य है वो मैं कोर्ट के सामने रखूंगा, जिस समय ये सारी चीज़ों पर मेरे पर आरोप लगाया गया उस समय तो मैं वहाँ था ही नहीं, मैं तो विदेश में था, अब मैं कोर्ट के सामने जो है वो साक्ष्य पेश करूंगा, मैं कोर्ट को बताऊंगा कि ये सारे आरोप जो मेरे पर लगाए जा रहे हैं वो फर्जी है, जो शुरू से लगातार बृजभूषण शरण सिंह कहते हैं। बृजभूषण शरण सिंह से जब एक महिला पहलवान ये पूछती हैं कि क्या आपका एक महिला पत्रकार उनसे पूछती हैं कि क्या आपका टिकट कट जाएगा, उस पर बृजभूषण शरण सिंह उनका माइक हटाकर कैसे दरवाजा बंद करते हैं, वो सारी तस्वीर हमने देखी। बृजभूषण शरण सिंह का टिकट तो कटा लेकिन उनके बड़े बेटे को दिया गया है, तो कहीं ना कहीं एक तरीके का जो महिला उत्पीड़न का जो आरोप बृजभूषण शरण सिंह पर लग रहा था उससे बचने के लिए भाजपा ने बहुत अच्छा दांवपेच खेला। बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काट के उनके खुद के बड़े बेटे को देकर ये माना जा सकता है कि सांप भी मार ली और लाठी भी नहीं टूटी, ये दिखा भी दिया कि हम महिलाओं के सम्मान में अभी भी खड़े हैं, हम महिला पहलवान की संवेदनाओं के साथ खड़े हैं। तमाम महिलाओं को इस तरीके का मैसेज भी दिया गया कि देखिए वो आरोपी हैं तो हमने उनको टिकट तो नहीं दिया, लेकिन उनके खुद के परिवार के बड़े बेटे को टिकट दिया गया है, जिस पर साक्षी मलिक के कहती हैं कि कहीं ना कहीं बृजभूषण शरण सिंह के पास ही ताकत होगी, क्योंकि उनके जो बड़े बेटे हैं वो उनका नॉमिनेशन उनका जो ये सारी चीज़ें हैं वो एक तरीके के कठपुतली हैं, वो तो सिर्फ बैठे रहेंगे, काम तो बृजभूषण शरण सिंह ही करेंगे, पावर तो बृजभूषण शरण सिंह के पास ही आएगी। तो ये जो पूरी लड़ाई है वो लगातार कई दिनों से चल रही है, महिला पहलवान जंतर मंतर पर भी बैठे रहे, खेल मंत्रालय भी सामने आया, उनके रिक्वेस्ट पर सारे लोग वहाँ से हट भी जाते हैं, सारे पहलवान वहाँ से हट भी जाते हैं, और ये चीज़ अभी भी चल रही है, अभी भी लगातार चल रही है। 6 पहलवान में से 5 पहलवानों की जो शिकायत कोर्ट में रखी गई थी उसमें से एक जो है एक महिला पहलवान का शिकायत खारिज कर दिया गया था, 6 में से 1 को हटा दिया गया था, लेकिन 5 महिला पहलवान जो हैं उनकी शिकायत को लेकर यह माना जाता है कि इतना बहुत है आरोप तय करने के लिए, पर्याप्त सबूत हैं, जो तमाम 5 महिला पहलवानों ने जो जो आरोप लगाए, जो जो सबूत पेश किए हैं उनमें इतना तो है कि चार्जशीट जो है वो फाइल की जा सकती है, ये बात कोर्ट कह रहा है, कोई और नहीं कह रहा। तो जो बृजभूषण शरण सिंह ये कह रहे थे कि साक्ष्य कहाँ हैं, साक्ष्य ले आइए, तो वही साक्ष्य जो महिला पहलवान ये बता रही थी क्या कि बृजभूषण शरण सिंह जो है वो जब टेस्ट सीरीज चलता है तो कैसे वो लगातार सांस नापने के लिए बार बार महिला पहलवान की छाती छूते हैं, उनका टी शर्ट छूते हैं, इस तरीके के आरोप जो महिला पहलवान लगा रही थी, ये बता रही थी कि कैसे एक बार वो गोल्ड मेडल जीती थी तो उनको ज़बरदस्ती हक करने की कोशिश बृजभूषण शरण सिंह ने की थी, इस तरीके का आरोप जो महिला पहलवान ने लगाई और जो साक्ष्य उन्होंने पेश किए, कोर्ट मान रहा है कि वो जो साक्ष्य हैं वो पर्याप्त हैं और इतने साक्ष्य से जो है वो चार्जशीट फाइल की जा सकती है। मैं आपको बता देती हूँ कि कुश्ती संघ के जो पूर्व सेक्रेटरी हैं विनोद तोमर, जिन पर भी महिला पहलवानों ने आरोप लगाया था, उन पर भी उनके खिलाफ भी जो है वो आरोप तय कर दिया गया है और आरोप तय करने के आदेश जो है वो दे दिए गए हैं। यानी कि कोर्ट जो है खाली बृजभूषण शरण सिंह को नहीं, विनोद तोमर के खिलाफ भी जो है वो आरोप तय करने का आदेश दे चुका है। तो अब आगे देखना यही होगा कि बृजभूषण शरण सिंह पे किस तरीके की कार्रवाई होती है। कार्रवाई होती है तो क्या बृजभूषण शरण सिंह जो ये कह रहे हैं कि मैं देश में ही नहीं था, मैं विदेश में था, मेरी छवि खराब करने के लिए सारी बातें की जा रही है, उसमें कितनी सच्चाई है, और जो महिला पहलवान कह रही है उसमें कितनी सच्चाई है। साक्षी मलिक कहती हैं कि जो कार्रवाई अभी कोर्ट की तरफ से की गई है ये हमारी लंबी लड़ाई में से एक विजय की तरफ हम बढ़ रहे हैं, या एक स्टेप हम आगे बढ़े हैं, लेकिन अभी लड़ाई बहुत लंबी है, हम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करेंगे। बाकी आप क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। बृजभूषण शरण सिंह पर जो आरोप लगे हैं, महिला पहलवान जो आरोप लगा रही हैं, इसके उलट जब बृजभूषण शरण सिंह के बेटे को जब टिकट मिलता है तो ट्विटर पर ये ट्रेंड चलता है कि दबदबा तो था, दबदबा तो है, तो दबदबा रहेगा। इस तरीके की ट्रेंड चलने पर, इस तरीके की चीज़ें लिखे जाने पर आपको क्या लगता है कि देश की जो महिला पहलवान हैं, जिन्होंने अपने जीवन का बहुत समय देश के लिए दिया है, देश के लिए गोल्ड मेडल लाया है, उन महिला पहलवान को दबदबा वाले सांसद से क्या जो आरोप महिला पहलवान लगा रही हैं उनको ठीक ठीक न्याय मिल पाएगा, या कहीं ना कहीं दबदबा तो था, दबदबा तो है, वही चलेगा। बाकी आप जो भी सोच रहे हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं।